बड़वानी जिले में 1 साथ 10 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासनिक हलचल काफी तेज हो गई है। 2 नए कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं। पॉजिटिव मरीजों की हिस्ट्री कॉन्टेक्ट लिस्ट खंगाली जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्वे किया जा रहा है। बड़वानी में एक ही परिवार के 8 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद नॉर्थ एवेन्यू इलाके को कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है। वहीं क्षेत्र के नगर पालिका द्वारा सैनिटाइजर किया गया है और स्वास्थ्य विभाग के दल द्वारा सर्वे की कार्यवाही भी की जा रही है। साथ ही लोगों के सैंपल भी लिए जाएंगे। वहीं कंटेनमेंट एरिया में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति की जाएगी। बड़वानी के पॉजिटिव पाए गए मरीज और अंजड़ के बाइक शोरूम में संबंध आया है। इसके चलते आज नगर पंचायत की टीम द्वारा बाइक शोरूम को सील करने के साथ और उसके आसपास के क्षेत्रों को सैनिटाइज किया गया है। साथ ही इन लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट को भी खंगाला जा रहा है और यहाँ आने वाले लोगों की लिस्ट बनाकर उन्हें सूचना देकर होम क्वारंटाइन किया जाएगा। बड़वानी से अब्दुल कुमाऊत की रिपोर्ट। जो शोरूम सील किया आपने, क्या कारण इसका? आज 31 तारीख को जो शोरूम है न्यू निमार शोरूम हीरो का, उसके मालिक जो विजय जोशी बड़वानी में निवासरत हैं, उनकी कल शाम को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से सुरक्षा उपाय हेतु शोरूम को पूरी तरीके से सैनिटाइज करके फिर सील किया गया है और अन्य आदेश तक वो सील ही रहेगा ताकि कोई वहाँ आ जा ना सके। और जो भी कस्टमर के कर्मचारी हैं उनका लिस्ट बना के हॉस्पिटल टीम को प्रोवाइड कर दिया गया है, जिससे कि हॉस्पिटल टीम अब उनसे संपर्क करके उन्हें जो भी क्वारंटाइन हेतु निर्देश दिए जाने हैं वो हॉस्पिटल टीम द्वारा दिए जाएंगे। और जो कस्टमर्स आए हैं उन लोगों की भी लिस्ट बनाई जा रही है ताकि उन लोगों से भी कॉन्टेक्ट करके उन्हें होम क्वारंटाइन किया जा सके। सर, 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या रहेगा आगे की रणनीति? यहाँ पर निवाली ब्लॉक के अंदर ये गुमड़िया खुर्द गांव है, यहाँ पर 2 पेशेंट पॉजिटिव निकले हैं। उसमें से एक दिनेश करके है और उसकी वाइफ है सजनी भाई, उनकी उम्र 25 साल और 18 साल के लगभग उम्र है। और ये दोनों कल पॉजिटिव पाए गए, इनको दोनों का राजकोट बड़वानी के हॉस्पिटल जो क्वारंटाइन हमारे है हॉस्पिटल आइसोलेशन वार्ड आशाग्राम में, वहाँ पर आशाग्राम में इनको दोनों को शिफ्ट कर दिया गया। और इसके साथ ही आज सुबह से यहाँ की ब्लॉक की सारी टीमें, प्रशासनिक अमला और पुलिस वाले अमला और हेल्थ डिपार्टमेंट की सारी टीमें, यहाँ के BMO मेडिकल ऑफिसर और सारे NM वगैरह सब भी लोग आ गए हैं और टीम बना के काम कर रहे हैं। और टीम बना के बाद हमने जो है कंटेनमेंट जोन बना दिया है ये एरिया, क्योंकि यहाँ पर स्कैटर्ड एरिया है तो इसमें कंटेनमेंट जोन बहुत छोटा बन रहा है और बफर जोन भी बना दिया है। वो पूरी टीम लगी हुई है और यहाँ पर स्क्रीनिंग के लिए 4 टीमें लगी हुई है, वो टीमें काम कर रही है यहाँ पे। सर, क्या हिस्ट्री रही है? हिस्ट्री इनकी ट्रेवल हिस्ट्री पता चल रही है, ये ट्रेवल हिस्ट्री इनकी पुना से है और ये लोग उनके 7-8 लोग और इसके साथ में वहाँ काम करते थे पुना के आसपास, तो उनका भी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री में हम लोग सैंपलिंग का है, वो सैंपलिंग आज ले लेंगे। और उनके घर वालों को भी होम क्वारंटाइन कर दिया और उनके कॉन्टेक्ट में जितने भी आए उन लोगों के सैंपलिंग लेकर उनको भी होम क्वारंटाइन कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।